गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे योर इंग्लिश क्लास टॉपिक ग्रामर क्लास है आपकी, जो टॉपिक प्रोनाउन एंड यूज ऑफ इस एम आर। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन को जानने से पहले, प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए। नाउन क्या डियर स्टूडेंट, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, एक बार फिर से सुन लो। नाउन है जो, नाउन है, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन मीन्स नाम, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी थिंग का नाम, उसे क्या बोलते हैं, नाउन। नाउन जब हम नाउन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसके बाद हम प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करेंगे। नाउन मैंने बताया, नाउन इज ए नाम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो वर्ड नाउन की जगह पे आके काम करता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जो वर्ड नाउन की जगह पे काम करता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं, जिसको पंजाबी में प्रनाम बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, आपको पीडीएफ फाइल में प्रोनाउन की अच्छी सी डेफिनेशन दी गई है, एग्जांपल दी गई है, उसमें समझाया गया। आप अपने पीडीएफ के ऊपर जो राइट किया, आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना, तब जब ड्यूरिंग वीडियो टाइम आपने उसके साथ मैचिंग करनी है और अंडरस्टैंड करना। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन इन द सेंटेंस। जो नाउन की जगह पे काम करे उसको प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल में पिक्चर दी गई है और पिक्चर में दिखाया भी गया, मिस्टर मोहनलाल इज अ बस ड्राइवर। जो मिस्टर मोहनलाल है वो बस के ड्राइवर है, नेक्स्ट सेंटेंस में है। सेंटेंस नंबर टू है, मिस्टर मोहनलाल ड्राइव्स चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे। मिस्टर मोहनलाल अपने चिल्ड्रन को डेली बस पे लेके आके जाते हैं। थर्ड सेंटेंस है, मिस्टर मोहनलाल इज़ ए जोवियल मैन। जो मिस्टर मोहनलाल है वो जोवियल मैन है। डियर स्टूडेंट, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, जैसे हम बार बार मिस्टर मोहनलाल एक नाउन है, हम बार बार उनको ही रिपीट कर रहे हैं। मिस्टर मोहनलाल थ्री टाइम हमने उसको रिपीट किया। इसके बाद जब हम इसको प्रोनाउनेशन में इसकी कन्वर्ट होता, नाउन जब प्रोनाउन में कन्वर्ट होता है तो कैसे सेंटेंस बनता है। फर्स्ट सेंटेंस बनता है, फर्स्ट वैसे ही राइट करना हमने, मिस्टर मोहनलाल इज अ बस ड्राइवर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। इसके बाद जब मैं सेकेंड टाइम फिर सेंटेंस उसी मिस्टर मोहनलाल को बताया, तो उस इसके आगे जो मिस्टर मोहनलाल उसकी जगह पे क्या आएगा, ही, क्योंकि वो मेल है। ही ड्राइव्स चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे। मिस्टर मोहनलाल की जगह पे किसने वर्क किया, ही ने, और ही क्या बना, प्रोनाउन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, देखो पीडीएफ में भी अपनी नोटबुक, ही इज अ जोवियल मैन। ही किसके लिए यूज हुआ, मिस्टर मोहनलाल के लिए। तो मिस्टर मोहनलाल कौन थे, वो एक नाउन थे। नाउन की जगह पे काम किसने किया, ही ने, और ही क्या बन गया, प्रोनाउन। दिस द वर्ड आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे आर प्रोनाउंस दैट कम्स इन द नेमिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो वर्ड मैंने बताया, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, ये क्या प्रोनाउन है। जो मैंने प्रोनाउन बताए, जे वाले वर्ड प्रोनाउन हो, तो आपने अपने जब ड्यूरिंग रिटन वर्क, जब आपने नोटबुक के ऊपर आज ही राइट करना, तो उसको एक कलर वाले पेन के साथ राइट करना है, पेन के जहाँ पेंसिल के, जैसे हम पूरा सेंटेंस लिख दिया। अब प्रोनाउनेशन आ, जो उनको अलग सा डिफरेंस सा दिखाना, तो उसको कलर वाले पेन पेंसिल के साथ राइट करना है। यू कैन आल्सो कम इन द टेलिंग पार्ट। जो यू प्रोनाउन है, यू भी एक क्या प्रोनाउन है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन कितने हैं, कितने टाइप्स है इसकी, जैसे इसकी डिवाइडेशन पीडीएफ फाइल में बनाई गई है, आपने वैसे ही उसका फिगर तैयार करना है, वैसे ही उनकी एक पिक्चर तैयार करनी है। नाउन कितनी, सिंगुलर है, ही, शी, इट, और प्लूरल कौन सी है, वी, दी। नेक्स्ट आपको एक ब्लैक बोर्ड की शेप के ऊपर राइट करके दिखाया गया। डियर स्टूडेंट, आपने अपने नोटबुक के ऊपर वैसे ही ड्रा करना और उसको अच्छे से डेकोरेशन के साथ ही प्रोनाउन की डेफिनेशन को अच्छे से राइट करना। यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे राइट हुआ। एग्जांपल कौन सी है, आई, यू, इट, वी, देम, दोस, अवर, अस।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्जांपल फिर से समझ लो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ चेयर, ये एक चेयर है, दिस इज अ चेयर, इट इज अ रेड। अब आप अंडरस्टैंड करो इसमें प्रनाउन कौन सा, इसमें प्रनाउन कौन सा, तो आप समझ सकते हो इसमें प्रनाउन कौन सा, इट, प्रनाउन कौन सा बना, इट। सेकंड सेंटेंस में राइट किया हुआ, आई एंड ही सबमिटेड अवर रिपोर्ट्स, मैं अति उसने अपनी जो रिपोर्ट्स है वो सबमिट कर दी। आई और ही, ये क्या प्रनाउन, ये क्या बन गए प्रनाउन। आपने प्रनाउन की डेफिनेशन को स्टूडेंट अच्छे से समझ लिया होगा, नाउन और प्रनाउन के बारे में आपको पता चल गया होगा। जो प्रनाउन वाला बताया गया, जैसे पीडीएफ में आपको अलग अलग कलर के साथ स्केच पेंसिल के साथ राइट किया, आपने अपने नोटबुक को भी वैसे ही तैयार करना और अच्छी सी डेफिनेशन अच्छे से वर्क करके उसको डेकोरेशन देनी है, नोटबुक को अच्छे से तैयार करना। सेकेंड पार्ट है ग्रामर का आपका, वो है जूज ऑफ इस एम आर, जूज ऑफ एम इस आर, ये कौन सा है, इस एम आर क्या होता है, ये होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। आई किसके, आई के साथ क्या लगता एम, आई के साथ क्या लगता एम। ही क्या सिंगुलर है, ही के साथ है सिंगुलर नाउन के साथ इज, ही के साथ है इज, और शी के साथ, शी भी सिंगुलर नाउन है और शी के साथ इज, इट इज, वी आर, वी प्लूरल नाउन है, वी के साथ आर, दे के साथ आर, जू, जू को प्लूरल में काउंट किया जाता है, जू को प्लूरल में काउंट किया जाता है, जू के साथ आर। इसके बाद आपको पिक्चर में दिखाया गया एम इज इक्वल टू आई, आई के साथ एम, ही शी इट इज इक्वल टू इज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, यू के साथ आर, वी दे के साथ आर। आप स्टूडेंट, आप इनका यूज ऑफ इस एम आर का एक चार्ट प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे, रेडी करोगे, उसको चार्ट को जैसे पीडीएफ फाइल में चार्ट को नोटबुक के ऊपर लगाकर दिखाया गया, आपने भी वैसे ही अपना चार्ट रेडी करना और पीडीएफ की तरह अपने नोटबुक के ऊपर पेस्ट करना, जो अलग अलग कलर के साथ हो। इसके बाद पेस्ट, पहले जूज ऑफ इस एम आर का हेडिंग देना आपने, फिर नीचे आपने अच्छे से जैसे पीडीएफ फाइल में मैंने आपको बनाकर बताया है उसको आपने तैयार करना, नीचे उनके जैसे आई के सेंटेंस बनाया, ही शी इट जितने आपको बताए गए, ही शी इट दे यू, उनके सेंटेंस बनाने हैं। डियर स्टूडेंट, यू विल बी राइट दिस वर्क ऑन योर नोटबुक। Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.